एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज है हमारा फ्लैट पहली चैलेंज का डे 20, जिसमें हमने 21 डेज का चैलेंज लिया था, तो ये वन डे ही बचा है। उम्मीद कर रही हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई है। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अपनी बेली फैट को कम करने के लिए जिस तरह से मैंने अपनी बेली फैट को एक्सरसाइज के साथ और प्रॉपर डाइट के साथ और एक अच्छी स्लिम बॉडी अचीव की है, आप भी अचीव कर सकते हैं, तो इस सीरीज़ को फॉलो करिएगा। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट होती है साइकिलिंग। इससे पहले मैंने 20 मिनट का अपना बॉडी वार्म अप किया है। इसके लिए आप जो भी एक्सरसाइज करते हैं बॉडी वार्म अप के लिए आप कर सकते हैं। मेरे चैनल पे बॉडी वार्म अप का भी एक्सरसाइज है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से भी देख सकते हैं। ध्यान रहे, आप कोई भी एक्सरसाइज करें उससे पहले अपनी बॉडी को वार्म अप ज़रूर करें। साइकिलिंग बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है बेली फैट को कम करने के लिए। इस एक्सरसाइज को हम 25 राउंड में 5 टाइम्स करेंगे। 5 to 10 सेकेंड रेस्ट लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी प्लैंक चेक्स। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है, चाहे आप हाई प्लैंक जैक्स करें या लो प्लैंक जैक्स करें। मैंने हाई प्लैंक जैक्स किया है, तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है बेली फैट को कम करने के लिए। इसको भी हम 25 राउंड के 5 टाइम्स करेंगे। 5 to 10 सेकेंड का रेस्ट लेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है ओवर हेड क्लैप क्रंच। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। मैंने आपको जैसा पहले ही बताया था, कुछ रिपीटेड एक्सरसाइज होंगी, कुछ न्यू एक्सरसाइज होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बेस्ट एक्सरसाइज होंगी आपके फैट को, बेली फैट को कम करने के लिए, बॉडी के फैट को कम करने के लिए। आज हम ये जो आपको बता रहे हैं ओवर हेड क्लैप क्रंच, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है एक्सरसाइज। आप कोई भी क्रंच करते हैं तो क्रंच बहुत ही अच्छी होती है हमारे बेली फैट को कम करने के लिए। तो मैंने 5 से 6 टाइप की आपके साथ क्रंचेस शेयर की हैं पिछली वीडियो में। हर एक वीडियो में मैंने एक क्रंचेस एक्सरसाइज शेयर की है, एक न्यू शेयर की है, एक प्रॉपर क्रंच एक्सरसाइज भी शेयर किया है। 5 to 10 सेकेंड रेस्ट के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे, जो हमारा है सीजर क्रॉस लेग राइजेस। इसमें आपको अपने पैरों से, जिस तरह से सीजर हमारी चलती है उस तरह से हमें अपने पैरों को किस क्रॉस करते हुए अपने लेग को ऊपर की तरफ लेके जाना है। ये भी पहली फैट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, थोड़ा एडवांस में है। अगर आप इस तरह से नहीं है तो आप प्रॉपर वे में सीजर क्रॉस ही कर सकते हैं अपने बॉडी के, जिस तरह से आप फ्लैट पोजीशन में हैं उस तरह से ही आप सीधे ही क्रिस क्रॉस भी कर सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेस होती हैं हमारी बेली फैट को कम करने के लिए। जिन्होंने पूरी सीरीज़ को फॉलो किया है गाइस, ज़रूर बताइएगा आपको आपने कितना वेट लॉस किया, आपकी बेली फैट कितना कम हुई, आपको किस तरह का रिजल्ट मिला, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी होती है क्रॉस बॉडी स्वाइप अप। ये भी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें ध्यान रहे, आपको अच्छे से अपने बॉडी को होल्ड करना है प्लैंक पोजीशन में, उस तरह से जिस तरह से आप देख रहे हैं मैंने किया है बहुत अच्छे से। इससे आपकी कोर तो स्ट्रांग होती है और आपके वेट लॉस होता है, आपका बेली फैट भी कम होता है। इस एक्सरसाइज को भी हम 25 राउंड में 5 टाइम्स करेंगे। बॉडी स्वाइप अप बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। 5 to 10 सेकेंड रेस्ट के साथ हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे, जो है प्लैंक। प्लैंक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है, बहुत ही बेस्ट होती है। आप जितना टाइम दे सकें प्लैंक पोजीशन में उतना दीजिए गाइस, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप अगर वेट लॉस करना चाहते हैं, अपनी ओवरऑल बेली फैट को कम करना चाहते हैं, पूरी बॉडी के फैट को कम करना चाहते हैं, तो अपने कोर को भी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपनी मसल को भी प्रॉपर वे में अच्छा करना चाहते हैं, तो आप प्लैंक ज़रूर करिएगा। बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। 5 to 10 सेकेंड रेस्ट के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, जो है इन एंड आउट। ये भी मेरी फेवरेट है ऑल टाइम और सीजनल
चाहे वेट लॉस में हो या आपके बेली फैट को कम करने में हो, पूरी अच्छे से ये एक्सरसाइज आपको आपके वेट लॉस में एक हेल्प करेगी। उस इसको भी हम 25 राउंड में 5 टाइम्स करेंगे। प्रॉपर वे में एक्सरसाइज करने के बाद पूरी हम अपने बॉडी को कूल डाउन जरूर करेंगे। उसके लिए मैं 5 मिनट की स्ट्रेचिंग करती हूँ, जिसमें होता है स्वान पोजेस और कोबरा स्ट्रेचिंग होती है, हमारी चाइल्ड पोजेस होते हैं। तो आप जो भी करना चाहें आप करिएगा। ध्यान रहे वर्कआउट से पहले अपना बॉडी वार्म अप, वर्कआउट के बाद प्रॉपर आपको 5-10 मिनट तक स्ट्रेचिंग कूल डाउन करना, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है, अच्छे से डाइट फॉलो करना है, आपका वेट लॉस ज़रूर होगा। जिस तरह से मैंने अपना वेट कम किया है आप भी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपना इस सीरीज़ को फॉलो करिएगा, कंटिन्यू एक्सरसाइज करिएगा, कोई सीटिंग नहीं करिएगा गाइस, आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा। उम्मीद कर रही हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। आज का हमारा रहा वर्कआउट का रिज़ल्ट, 1 डे और बचा है। आप लोग सीरीज़ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।